अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाने वाले हैं चिकन शौरमा, जिसकी रेसिपी बहुत इजी है। चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है, इसमें आटा है। मैंने फुल नहीं लिया है, देखिए फुल से थोड़ा सा कम है, ठीक है। आप चाहें तो फुल कर सकते हैं, ये आधा किलो से थोड़ा कम है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने डाला। इसके बाद मैं डालने वाली हूँ ऑयल, ये है 4 स्पून, ठीक है, 4 चमचे हैं ये। इसमें इसको सारा डाल दिया। अब हम डालेंगे ये नमक है 1 चमच। अब ये ईस्ट है, देखिए इंस्टेंट ईस्ट है, ये इस तरह से भी मिलता है और ये खुला भी मिलता है, मगर मैं आपको यही कहूंगी कि आप इस तरह से लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसे हमें करना क्या है कि थोड़े पानी में हमें ये सारा साशा डाल देना है इस तरह से। इसके बाद इसको तरह से हिला के सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है ताकि ये फूल जाए। देखिए ये अच्छे से रेस्ट हो चुका है, ये देखिए इस तरह से हो गया। जब इस तरह से हो जाए तो सारा आपने इस तरह से डाल देना है, ठीक है। इसके बाद ये मिल्क पाउडर है, हमें मिल्क पाउडर के खाली इस तरह से 2 चमचे इस तरह से डालने हैं। इससे क्या होता है कि जो डो है हमारा, पिज्जा डो, बहुत ही जबरदस्त बनता है और इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमें क्या करना है कि इसी ग्लास में हम पानी ले लेते हैं। ये देखिए अब हम सारी चीजें इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, एकदम ज्यादा नहीं डालना हमने। एकदम ज्यादा पानी डालने से क्या होता है कि हमारा डो जो होता है वो पतला हो जाता है, और ये पिज्जा डो है, आप इस चीज का खास ख्याल रखा कीजिए कि ये पतला नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से ये सारा मिक्स हो चुका है। इसको हमने करना क्या है, अच्छे से इस तरह से इसे प्रेस करना है। ये देखिए इसको इस तरह से प्रेस कीजिए हाथों की मदद से। ये देखिए इस तरह से कितना जबरदस्त सा हो गया है। इसको थोड़ा सा और, क्योंकि जब हमारा डो अच्छे से इस तरह से ये हो गया है, अब हमें करना क्या है, इस पर थोड़ा सा जो ऑयल था इस तरह से लगा के अब हम इसको कर देते हैं पैक। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आप इसको पैक कर दें ताकि इसमें एड ना जा सके, ताकि ये अच्छे से रेस्ट हो जाए और ये अच्छे से फूले। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये हमारा आटा राइस हो रहा है, डो हमारा, जब तक हम अब फिलिंग रेडी कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, ये देखिए ये 2 चमच ऑयल है, ये हमें पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, जो भी आपके पास आसानी से हो वो ले लें। ये डाला, इसके बाद हमें डालना है गार्लिक, ये चॉप्ड गार्लिक है, लहसुन ये आप डाल दीजिए। इसको हल्के से सौते कर लें, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि जब ये ब्राउन हो जाते हैं तो वो खुशबू खत्म हो जाती है जो इसके कच्चेपन में होती है। तो इसको हमें बस हल्का सा ही लाइट ब्राउन करना है ताकि बस इसकी जो खुशबू है वो अच्छे से चिकन में आ जाए। ये देखिए इस तरह से, इससे ज्यादा हमें नहीं करना, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये मेरे पास 1 प्याली है चिकन, इस तरह से मैंने पीसेस कर ली है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर में बॉयल हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें लहसुन डाला है इसलिए सिर्फ ब्लैक पेपर में बॉयल करके इसको इस तरह से चॉप्ड करके जो हम हाथों से करते हैं वैसे हमने किया है, मोटा मोटा सा। बस इसके बाद हमें इसको इस तरह से हिलाना है। इसके बाद हमें सारे मसाले ऐड करने हैं। मसाले कोई इतने खास नहीं है, सिर्फ घर के ही मसाले हैं जो होने चाहिए। ये देखिए 1 चमच मैंने इसमें ली है, ये देखिए कुटी हुई मिर्ची। इसके बाद गया ये ब्लैक पेपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काली मिर्ची पिसी हुई, इससे ही टेस्ट आता है हमारे हर चीज में। इसके बाद गया ये चाट मसाला, ये चाट मसाला भी हमें लेना है, ये छोटी सी 1 चमची। के बाद हमें लेना है नमक, हम इसको हिला लेते हैं इस तरह से ताकि इसका जो भी फ्लेवर है सारा चिकन में आ जाए। ये नमक हमें हद से जायका लेना है, ये जितना आप टेस्ट के हिसाब से खाते हैं उतना लीजिए। ये मैंने डाल दिया है इस तरह से, ये देखिए थोड़ा
पर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना और ऑयल भी ज्यादा नहीं रखना क्योंकि हम शवरमा बना रहे हैं, तो इसमें ऑयल बस बराए नाम ही जाना चाहिए। इस तरह से सारे मसाले में हम कर लें। इसके बाद थोड़ा सा हमें क्या करना है, केचप डालना है लास्ट में, एक चम्मच के करीब हमने ये केचप डाला है। इसके बाद ये हरा धनिया और हरी मिर्ची है, ये हद से जायका जितना आप खाना पसंद करते हैं, ये मैंने तीन ली है और ये हरा धनिया सिर्फ थोड़ा सा ही लिया है टेस्ट के लिए। ये आप इस तरह से डाल दें। बस, और ये थोड़ी सी बंद गोभी है, ये बस, ये मैंने देखिए एक प्याली ली है, आप भी इतनी ही लीजिएगा। आधी हमें इसमें ऐड करनी है, आधी हम उप करेंगे। ये देखिए ये फिलिंग हो गई है रेडी। हमें इसको ज्यादा नहीं ब्राउन करना, ज्यादा नहीं मुरझाना, हमें बिल्कुल इस तरह से इसे ऐसे खड़ा खड़ा सा ही रखना है, ठीक है। ये देखिए अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं, बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए फिलिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, रेडी होने के लिए तैयार है। अब मैंने ओवन को 120 डिग्री पे हीट करने के लिए रख दिया है। इस तरह से हम ऑयलिंग कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारी जो शवरमा है वो चिपके ना। ऑयल हो गया अच्छे से, अब इसको साइड में रख देते हैं। ये देखिए ये दही है, ये दही में मैंने भुना हुआ जो मसाला होता है जो हम दही बड़ों में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, और ये काली मिर्ची और नमक, ये दही में करके मैंने ऐसे करके ये थोड़ा गाढ़ा बना लिया, तो बेहतरीन टेस्ट आता है इससे। अब हमें करना क्या है नेक्स्ट, ये देखिए ये हमारा अच्छे से राइस हो चुका है। ये देखिए इसका हम, ठीक है, ये हमने इसका हवा निकाल दी है। अब हम इसको एक छोटे पेड़े की शक्ल देंगे इस तरह से। ये थोड़ी खुश्की है, अब मैं खुश्की से एक पेड़ा बनाना है इस तरह से। ये देखिए जैसे रोटी का पेड़ा होता है वैसे ही हमने इसको बनाना है। ये देखिए ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए ठीक है, इसको बेलना है। आप चाहें तो नीचे ऑयल लगा लें, अगर आप चाहें तो ये खुश्की लगा लीजिए कि ये चिपके ना। ये देखिए थोड़ा मोटा रखिएगा रोटी को, ज्यादा पतला नहीं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको रख लिया, ठीक है। ये देखिए ये इसकी हमने थिकनेस रखी है, बिल्कुल रोटी की तरह हमने बेल लिया है। अब हमें इसमें करना क्या है, ये देखिए फिलिंग ठंडी हो चुकी है हमारी, इस तरह से हमें इसको फिलिंग डालनी है। इसके बाद कैबेज, ये इस तरह से आप कैबेज रख दीजिए। कैबेज रखने के बाद हमें ये जो हमने दही आपको बताया था, इस तरह से ये दही रख दें। के बाद केचप, ये देखिए, और इसके बाद फिर हमने ये रखनी है ग्रीन चिली सॉस। इनका जो फ्लेवर होता है बहुत ही मजेदार होता है, ये आपने हम डाल दिया है। अब हमने करना क्या है, इसको इस तरह से फोल्ड कर, हाँ ये चीज है, सॉरी ये रह गई थी, ये देखिए इस तरह से ये हमने चीज डाल दी, ठीक है। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है हमने, और एक ऐसे फोल्ड करना है बस, और यहां से इसको दबा देना है। देखिए इस तरह से ये दबा देना है, ये देखिए हो गया। अब ये जो हमने ऑयल लगी हुई थी ट्रे में, इसको आराम से उठाना है बिल्कुल इस तरह से, और ऐसे रख देना है उल्टा करके, ये देखिए।
ये देखिए इस तरह से हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है, ये ऑयल लेना है और ऑयल को ऊपर से अगर आप बटर खाना चाहते हैं, शौक से बटर खाते हैं आपके बच्चे, तो आप बटर लगा लीजिए, ऑयल तो ऑयल लगा लीजिए, कोई इशू नहीं, कुछ भी लगाइए आप। इसके बाद ये थाइम है, ये थाइम थोड़ी सी लेके थाइम इस तरह से आप छिड़क दीजिए। इस तरह से मैं 2-3 बना के फिर से पैक करती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये तीनों बिल्कुल पैक होने के लिए तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसको करने वाली हूँ पैक सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। देखिए ये अच्छे से पैक हो चुके हैं, ये देखिए कितने जबरदस्त पैक हुए हैं। ये देखिए इसको इस तरह से हम मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये मजेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। ये देखिए बहुत गर्म है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, सॉस के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।